हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ज्योति। फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे कन्हेर में हाइब्रिड कन्हेर है। फ्रेंड्स, इसमें फ्लावर्स आने स्टार्ट हो गए हैं। देखिए हर एक ब्रांच पे आपको फ्लावर दिखाई देंगे फ्रेंड्स इसके। और ये देखिए यहाँ रेड है, और ये देखिए इसमें भी कलियाँ बनने लगी हैं। काफ़ी सारी कलियाँ इसमें भी आनी स्टार्ट हो गई हैं। धूप की वजह से फ्रेंड्स मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और ये देखिए साथ ही ये पिंक कलर का कन्हेरा फ्रेंड्स, इसमें भी देखिए कलियाँ आने लगी हैं। इसमें गुलाब की तरफ फ्लावर्स आते हैं। प्रूनिंग के बाद देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है फ्रेंड्स इनमें स्टार्ट। और ये देखिए एक ललटाना है फ्रेंड्स, ये सीड से ग्रो हुआ। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल कलर आया है इसमें, सीड से ग्रो हुआ ललटाना है फ्रेंड्स ये। और ये देखिए फ्रेंड्स इतने सारे पत्ते गिरे हुए हैं। हमारे यहाँ के प्लांट है पेड़, बड़ा पेड़ जिसके सारी पत्तियाँ गिर रही हैं। और ये देखिए साथ ही ये हिबिस्कस है, इसमें भी कलियाँ आनी शुरू हो गई हैं। काफ़ी सारी देखिए आप, हर एक ब्रांच पे आप कलियाँ दिखेगी। देखिए इसमें भी कलियाँ आनी स्टार्ट हो गई हैं। ये मिनिएचर हिबिस्कस है फ्रेंड्स, इसमें भी कलियाँ स्टार्ट हो गई है, छोटी छोटी कलियाँ फ्रेंड्स। ये देखिए हर एक ब्रांच पे कलियाँ। और ये देखिए साथ ही रेड कलर का हिबिस्कस, इसमें भी काफ़ी कलियाँ आनी शुरू हो गई हैं। ये देखिए इस बार समर में फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी होएगी मेरे सारे प्लांट्स में। और ये देखिए विंका का प्लांट है, सीड से खुद ही उग आया है ये। ये देखिए फ्रेंड्स ये दिसंबर फ्लावर है, इसमें भी देखिए कलियाँ आप पी रहे हैं। येलो कलर के फ्लावर आते हैं, इसमें कांटे हैं फ्रेंड्स पर इसमें। और ये मेरा कटिंग से लगा हुआ यूफोरिया मिली, इसमें भी फ्लावर्स बहुत अच्छे अच्छे आने लगे। और ये देखिए फ्रेंड्स पोर्चुला का, ये हर बार मेरे गार्डन में सीड से हर एक प्लांट में ये ग्रो हो जाते हैं। कई कलर हैं फ्रेंड्स इसमें। और ये देखिए एक ये भी है, ये भी कटिंग से रेडी हुआ है फ्रेंड्स, बोगनविलिया। दोनों यूफोरिया मिली, ये दो कलर मेरे पास नए ऐड हुए हैं कटिंग से। ये देखिए फोर ऑफ क्लॉक का प्लांट है फ्रेंड्स, वाइट कलर का। इसमें भी देखिए कितनी कलियाँ आ रही हैं। पिंक कलर के में फ्रेंड्स अभी तक कोई ग्रोथ नहीं आई है निकल के, ये पिंक कलर का है फ्रेंड्स। और ये देखिए कटिंग से लगा हुआ कन्हेर, इसमें भी देखिए कलियाँ आने लगी हैं। फ्लावर एक आध दिन में खिलने वाले हैं। देखिए ये देखिए मोगरा का प्लांट, इसमें भी देखिए अब कलियाँ आने लगी है। हर एक ब्रांच पे आपको कलियाँ दिखाई देंगी फ्रेंड्स। ये देखिए आप हर एक ब्रांच पे इसमें भी कलियाँ आने लगी है मोगरे के प्लांट्स में। और ये देखिए फ्रेंड्स इसमें कितनी कलियाँ बन रही हैं। फ्लावर्स खिलने ही वाले हैं कुछ दिनों में, इसमें पिंक कलर के फ्लावर्स आएंगे इसमें गुच्छों में। देखिए ये देखिए दो प्लांट्स हैं फ्रेंड्स मेरे पास इसके, जिसमें कलियाँ दोबारा से स्टार्ट हुई हैं। वैसे चार प्लांट्स हैं इसके अलग अलग कलर के। क्रिसैंथेमम का प्लांट्स फ्रेंड्स, ये दो प्लांट्स इस बार मैंने न्यू ऐड करा। और ये देखिए मैक्सिकन पिटोनिया, ये पिंक कलर है फ्रेंड्स, ये वाइट कलर है, और ये पर्पल कलर है। इन सब में अच्छी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। ये देखिए कलियाँ भी बनने लगी हैं, यही कलियाँ। ये मेरा बोगनविलिया का प्लांट्स है फ्रेंड्स, ये देखिए इसके फ्लावर्स देखिए आप। छोटा सा प्लांट्स कटिंग से लगा हुआ, और फ्लावर्स देखिए कितने ब्यूटीफुल लग रहा है इसका। देखिए ये देखिए एक ये है फ्रेंड्स यूफोरिया मिली का प्लांट्स, और इसमें भी देखिए कितने फ्लावर्स आ रहे हैं। ये देखिए एक ये बोगनविलिया फ्रेंड्स, ये देखिए इसमें भी कितनी सुंदर ब्लूमिंग हो रही है। ये देसी कैलेंजियो फ्रेंड्स, इसमें भी देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। ये देखिए फ्रेंड्स देसी पाउडर पफ का प्लांट है, जिसे मैंने सीड से ग्रो किया इस बार। और ये देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है, नए नए लीव्स निकल रहे हैं इसमें। सीड से ग्रो हुआ प्लांट है फ्रेंड्स ये मेरा पारिजात का प्लांट है फ्रेंड्स, इसे भी सीड से ग्रो किया। छोटा सा प्लांट है फ्रेंड्स ये। और ये देखिए जिसे मैंने सीड से ग्रो किया, ये अपराजिता है ब्लू कलर का। दो तरह के अपराजिता है फ्रेंड्स। ये देखिए सीड से ग्रो हुआ मैक्सिकन पिटोनिया, और ये मेरा बिग साइज़ का क्रिसमस ट्री। देखिए ये दूसरा प्लांट्स ये है फ्रेंड्स, ये भी सीड से ग्रो हुआ, और ये लाइट ब्लू कलर का। शायद फ्लावर्स मैं आपके साथ जब आ जाएंगे शेयर करूँगी। ये देखिए चैन प्लांट येलो कन्हेर है फ्रेंड्स, देखिए कटिंग के बाद कितनी अच्छी ग्रोथ आई है निकल के, कितनी ग्रीनरी ऐड कर रहा है ये। ये देखिए नीचे तक देखिए आप,
एक ये है फ्रेंड्स, ये देखिए इसमें भी कलियाँ आने लगी हैं। देखिए आप नई नई ग्रोथ कलियाँ आने लग गई हैं इनमें, येलो कन्हेरा फ्रेंड्स। और ये देखिए कढ़ी पत्ता कितनी अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है फ्रेंड्स, कई सारी ब्रांच निकली है इसमें से प्रूनिंग करने के बाद। और ये देखिए मोगरा, इसमें एक नया सूट्स निकला, देखिए ये देखिए ये रेड हिबिस्कस है, इसमें भी देखिए कलियाँ बनने लग गई हैं। कटिंग से ग्रो किया फ्रेंड्स मैंने इसे। और ये देखिए फ्रेंड्स ये काफ़ी बिग साइज़ का प्लांट है मेरे पास, और देखिए हर एक ब्रांच पे बहुत सारी कलियाँ आने लगी हैं, इनमें भी सब में कलियाँ बननी स्टार्ट हो गई हैं। छोटी छोटी हैं अभी फ़िलहाल, पर देखिए आप हर एक ब्रांच पे कलियाँ बननी स्टार्ट हो गई है। इसमें पंचमुखी जैसे कह देते हैं उस टाइप का फ्लावर्स आता है इसमें। और साथ ही देखिए ये चंपा का प्लांट, इसमें भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ, पत्ता टूट गया फ्रेंड्स, देखिए इसमें भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। और ये देखिए चांदनी का प्लांट, इसमें भी देखिए कलियाँ बननी स्टार्ट हो गई हैं फ्रेंड्स। मेरे गार्डन में इस बार टमाटर है शायद, क्या है पता नहीं फ्रेंड्स, बहुत ग्रो हो रहे हैं। ये देखिए ये शायद टमाटर का प्लांट्स लग रहा है, हर एक प्लांट में ग्रो हो रहा है मैंने। और फ्रेंड्स इस प्लांट्स को बताना आप कौन सा प्लांट्स है। वैसे मैंने गूगल लेंस पे इसे चेक करा तो अमरूद का प्लांट्स बता रहे हैं फ्रेंड्स, पर मुझे नहीं पता ये किस चीज़ का प्लांट है। ये खुद ही निकल रहा था तो मैंने इसे इसमें लगा दिया, किसी गमले में निकल आया था। और ये देखिए एक्जोरा, इनमें भी नई नई ग्रोथ सब में आ गई है। ये देखिए रोज़ प्लांट, इसे मैंने इस गमले में लगा दिया। एक ये देखिए ये भी एक्जोरा, सब में नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है फ्रेंड्स। ये देखिए ये येल्लो एक्जोरा, और ये देखिए रेड एक्जोरा देसी वाला, ये देखिए सब में नई नई ग्रोथ निकल रही है। देखिए आप ये देखिए ये रेन लिली का प्लांट है फ्रेंड्स, पिंक कलर। ये देखिए कोलियस कितना सुंदर ग्रो हुआ है इसमें, कटिंग लगा दिया था मैंने। और ये देखिए हिबिस्कस, इसमें देखिए कितनी कलियाँ आ रही हैं फ्रेंड्स। अब हर एक ब्रांच पर आपको कलियाँ दिखाई देंगी इसकी, ये देखिए हर एक ब्रांच पर आपको कलियाँ, ये देखिए सब जगह कलियाँ, इसमें बहुत कलियाँ आ रही हैं। फ्लावर्स की पूरी मौज रहेगी इस बार। और ये देखिए साथ ही गोरी चोरी का प्लांट, ये देखिए कितने फ्लावर हो रहे हैं, समर में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है ये। अगर आपके गार्डन में ना हो तो फ्रेंड्स आप इसे ज़रूर ऐड करें, भर भर के फ्लावर्स देते हैं ये, देखिए। और ये देखिए फ्रेंड्स डहेलिया का प्लांट है, ये मैंने ग्रो बैग में लगा रखा है। बाकी ये देखिए फ्रेंड्स ये मैंने बोतलों में कुछ प्लांट्स लगा रखे हैं, कुछ क्या ज़्यादातर प्लांट्स मेरे बोतलों में मैंने बहुत सारे ग्रो कर रखे हैं फ्रेंड्स, ये देखिए आप, और सारे अच्छे चल रहे हैं, सब में ग्रोथ आ गई है निकल के। ये देखिए छोटे से बोतल में यूफोरबिया मिली, मैं देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। ये देखिए फ्रेंड्स हिबिस्कस आज एक नया फ्लावर्स खिला, इसमें रोज़ एक एक फ्लावर खिल रहे हैं। और ये देखिए ये भी रोज़ है, इसे भी मैंने इसमें लगा रखा है। ये देखिए यहाँ मेरे सदाबहार के प्लांट है फ्रेंड्स, 5-6 प्लांट्स हैं ये मेरे पास हाइब्रिड प्लांट अलग अलग कलर के। और ये देखिए टिकोमा, इन्होंने फ्लावरिंग करके बंद कर दिया, काफ़ी फ्लावरिंग हुई फ्रेंड्स इस बारिश में। एक ये टिकोमा, इसमें अभी कलियाँ नहीं बनी है प्रूनिंग करने के बाद, अभी इसमें नई कलियाँ नहीं बनी हैं। एक ये है फ्रेंड्स रेड हिबिस्कस, जिसमें बहुत बड़े साइज़ के फ्लावर्स आते हैं। साथ ही देखिए येलो हिबिस्कस, ये देखिए इसमें 2 फ्लावर्स खिले हुए हैं आज, बहुत ही अच्छे फ्लावर्स, और हर एक ब्रांच पर आपको कलियाँ दिखाई देंगी फ्रेंड्स। ये देखिए आप बहुत ही अच्छी कलियाँ निकल रही हैं इनमें, सारे फ्लावर्स देखिए कितना ब्यूटीफुल है इसका। इसे मैंने 6-7 महीने पहले ही गार्डन में ऐड करा फ्रेंड्स। और ये देखिए पाउडर पफ, ये हाइब्रिड वाला पाउडर पफ है फ्रेंड्स, वो जो मैंने सीड से ग्रो करा है वो देसी है। ये देखिए इसमें भी कितनी अच्छी नई नई ग्रोथ आ रही है निकल के। ये देखिए चांदनी का प्लांट्स, इसमें भी देखिए कई सारे फ्लावर्स खिले थे, ये देखिए गिर गए। ये रेड हिबिस्कस है फ्रेंड्स, इसमें भी कल फ्लावर्स खिला था, ये देखिए आप, ये अलग कलर रेड है, ये भी हाइब्रिड है। और ये देखिए लेल्टाना, इसमें देखिए कितनी सारी कलियाँ बन रही है। देखिए ये रेड है, इसमें भी देखिए कलियाँ बननी स्टार्ट हो गई हैं सब में,
ये देखिए जो ये फोरिया मिली है ये भी मैंने कटिंग से ही लगाया फ्रेंड्स। और ये देखिए छोटे से इसमें कितने अच्छी फ्लावरिंग हो रही है देखिए, सब में मटकी में लगा रखा फ्रेंड्स ये छोटे से, कितनी अच्छी फ्लावरिंग हुई है इसमें। ये देखिए चांदनी, मिनी चांदनी है, इसमें भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, अभी एक आधी फ्लावर्स है फ्रेंड्स इसमें। मोर पंखी है, ये देखिए कितने बड़े बड़े सीड्स हो गए, मोर पंखी के सीड से मैंने बहुत सारे प्लांट्स ग्रो किए हैं। और ये देखिए वेरिकेटेड कैलंजू, देखिए आप इसके पत्ते। और फ्रेंड्स ये देखिए तोता, देखिए आप इसे मैंने अपने गार्डन में न्यू ऐड करा, मैं राजस्थान गई थी, राजस्थान में मेला लगा था फ्रेंड्स, होली के दिन लगता है होली की, और तो मैं वहाँ से इसे 10 रुपीज़ के 3 लेकर आई फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स मेरे क्रोटोन में नई नई ग्रोथ निकली आई है, एक क्रोटोन ख़राब हो गया फ्रेंड्स मेरा, पर बाकी जिसमें सारी पत्तियाँ झड़ गई थी इनमें नई नई ग्रोथ फिर से निकल के आ रही है। और ये देखिए इसमें भी अभी नई ग्रोथ नहीं निकली है फ्रेंड्स, पता नहीं ये भी सक्सेस हो गए नहीं। और ये देखिए एक ये क्रोटोन है, इसमें भी नई नई पत्तियाँ खूब सारी निकल आई हैं, ये देखिए ये क्रोटोन है, इसके पत्ते नहीं गिरे थे, ये अब तक भी ठीक है। ये क्रोटोन मैंने कटिंग से लगा के ग्रो किया फ्रेंड्स, और देखिए अब नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है इसमें, ये सब कटिंग से लगे हुए प्लांट्स हैं फ्रेंड्स। ये देखिए क्रोटोन ये है, ये भी कटिंग से लगा हुआ है, ये ड्रेसिना है, ड्रेसिना के दो प्लांट, इन्हें भी मैंने कटिंग से ही ग्रो किया फ्रेंड्स। ये क्रोटोन है, इसे भी मैंने कटिंग से ही ग्रो किया, ये देखिए इसमें भी नई नई ग्रोथ निकली आई है क्रोटोन में। ये जेड प्लांट है फ्रेंड्स। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। और अगर आपको मेरा ये गार्डन पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ओके फ्रेंड्स बाय।